हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। आज के मॉक टेस्ट में मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो वेरियस सेक्शन से हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चन हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चन हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के हैं, सेंटेंस करेक्शन के हैं और इसके अलावा ईडियम फ्रेजेस के हैं। तो आज के इस मॉक टेस्ट में हम ये देखेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चन आते हैं। आप मुझे कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं और अपना जो प्रिपरेशन है हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम्स के लिए वो आप एनालाइज करें। तो सबसे पहला है, ए मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। और अगर कि जो सेंटेंस अगर सही है तो उसके लिए ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर जो है एरर है वो ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ए मोमेंट ऑफ डिले की जगह द डिले फॉर ए मोमेंट, द डिले फॉर ए मोमेंट है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए मोमेंट डिले, ऑप्शन ए यहाँ गलती है। द डिले फॉर ए मोमेंट यहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। तो आफ्टर यू रिटर्न, खाली विल का यूज़ नहीं होगा क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू, ऑप्शन ए में यहाँ गलती है। व्हेन माई सिस्टर वॉज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। जब मेरी जो सिस्टर थी बीमार थी, आई वेंट टू हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेटिव नहीं अल्टरनेट, ऑन अल्टरनेट डेज। तो ऑप्शन सी है, इसमें एरर है। इसके बाद है, मोर पर्संस देन वन हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेरल। मोर पर्संस देन वन तो हैज़ नहीं आएगा क्योंकि जो ये है ये प्लूरल है, नाउन है, जो कलेक्टिव नाउन यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर हमें हैव का यूज़ करना है। तो हैज़ की जगह हमें हैव का यूज़ करना है। तो करेक्शन कैसे सही होगी, मोर पर्सन देन वन हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेरल। नेक्स्ट है, आई मेट द टू गर्ल्स हुम आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर्स। आई मेट द टू गर्ल्स हु आई बिलीव, हुम नहीं होगा हु होगा, हु आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर्स। तो हुम नहीं आएगा, हुम की जगह क्या आएगा, हु। नेक्स्ट है, दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी इजंट इट। तो क्वेश्चन टैग में भी कई बार एरर रहता है और हम वो स्किप कर जाते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी, यहाँ तक सही है। बट जो इजंट इट है इसकी जगह आएगा वॉन्ट दे, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आप एक बार किसी बुक से रिवाइज जरूर कर लेंगे, क्वेश्चन टैग से भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन सी है जो इसमें एरर है। आगे देखते हैं, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। तो यहाँ पर जो गलती है वो क्या है, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स होती है, सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है, यानी कि आसपास का जो रहने का क्षेत्र है, सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। नो पोर्टर बींग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जो गलती है वो है, नो पोर्टर बींग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेज, लगेज खुद एक कलेक्टिव नाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में ऑलवेज होता है, लगेजेस कभी कोई वर्ड ही नहीं होता है, ना इसका प्लूरल फॉर्म होती है, लगेज ऑटोमेटिकली एक प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पर आएगा ऑल हिज लगेज, ना कि लगेजेस। I take great pleasure to welcome you to this institution. I take great pleasure to welcome you की जगह आपको वर्ड यूज करना है welcoming you. I take
take great pleasure welcoming you to this institution. Next, although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it. तो गलती क्या है? अब जब यहाँ yesterday आ गया है, तो यानी कि past की बात करी है, तो जो past simple tense होता है, past indefinite tense होता है, उसमें हमें second form use करनी होती है, तो यहाँ पर tries की जगह आएगा tried, ठीक है? He tried to avoid it. Option C में error है. The various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats. So various consequences of the decision taken by the finance ministry was nahi aayega, yahan par aayega were not foreseen by the bureaucrats. Everyone knows that the tiger is the faster of all animals. सभी जानते हैं दैट द टाइगर इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल. तो यहाँ पर फास्टर नहीं आएगा, इज द फास्टेस्ट ही सबसे ज़्यादा तेज है सभी जानवरों में, ठीक है? तो ऑप्शन बी में एरर है. इसके बाद कुछ क्वेश्चन ईडियम फ्रेजेस के हैं. ही एक्सपेक्ट्स हिज सबॉर्डिनेट्स टू बी ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल. At his back end call का जो यहाँ पर जो सही होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, at his disposal. If you are in good books of the boss, you are sure to rise quickly. Good books of the boss, तो इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा? Work well for the boss, praise the boss, in favor with the boss, या cooperative with the boss. तो good books of the boss का यहाँ पर जो होगा वो होगा in favor with the boss. Option C. The population of our country is increasing by leaps and bounds. ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया और कई बार एग्जाम में आता है. तो leaps and bounds का जो है, the population of the country is increasing by leaps and bounds. तो क्या होगा? Very slowly, वेरी क्विकली, इरेगुलरली या वेरी सिस्टमेटिकली. तो यहाँ पर जो लीप्स एंड बाउंड्स का सही होगा वो होगा वेरी क्विकली, ऑप्शन बी. ए प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफ सोड ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स फॉर लॉन्ग. राइड रफ सोड ओवर, तो डील अनकाइंडली विद, टेक फॉर ग्रांटेड, बी हैम हैंडेड विद, या एक्सप्लॉइट विलफुली. तो यहां पर होगा ऑप्शन ए, डील अनकाइंडली विद. वी नो दैट ही इज वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कॉर्ड, बट एज ही इज वेल कनेक्टेड, ऑल वी कैन डू इज सेंड हिम टू कोवेंट्री. सेंड हिम टू कोवेंट्री, इसका सामने ही लिखा हुआ है. सेंड हिम टू कोवेंट्री मतलब है एक तरह से बहिष्कार करना, बॉयकॉट हिम. इसके बाद ये है, एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है और पैसिव वॉइस के कुछ जो हैं उनको एक्टिव में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में. तो देखिए, तो पहला है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस. क्या होगा? दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, टू दिस बाई इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव डन दिस, या इट कैन नॉट बी डन. तो यहां पर जो सही होगा वो होगा दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ऑप्शन ए. सेकंड है, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक. तो क्या होगा यहां पर? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट लाफ एट द पब्लिक, द पब्लिक विल नॉट बी लाफिंग एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, द पब्लिक शैल नॉट बी लाफिंग एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, या ऑप्शन डी, द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. तो इसका ऑप्शन डी ही सही होगा, द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. दे से दैट द पीपल लिव ऑन द डिस्टेंट प्लैनेट्स. तो इसका जो सही होगा वो होगा, इट इज सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, ऑप्शन सी. कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, इसका जो सही होगा वो क्या होगा? कैन द पार्सल
can be the parcel sent by us tomorrow, या option B, can we be sent the parcel tomorrow, C, can the parcel be sent by us tomorrow, can the parcel sent by us tomorrow. तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा can the parcel be sent by us tomorrow. A detective arrested him as soon as he got home. An arrest was made by a detective as soon as he got home. ये गलत है. A detective was arrested by him as soon as he got home. ये भी गलत है. An arrest was detected by him as soon as he got home. तो ये गलत है. ऑप्शन बी है जो वो सही होगा. He was arrested by a detective as soon as he got home. आगे कुछ मैंने आपके साथ पांच ही क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीपोजिशन के हैं. तो पहला है ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट. तो क्या होगा, इज टू इनटू या टुवर्ड्स. तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट. नेक्स्ट है बिल्स फाइट डैश हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल सिकर्स कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स. तो ये बिल्स फाइट अगेंस्ट हंटिंग, ऑप्शन डी है जो वो सही होगा. द कोर्ट हैज एब्सॉल्व हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम. तो यहां पर आएगा ऑप्शन डी हैज ऑब्सॉल्व हिम ऑफ. ठीक है. यू आर वेलकम टू पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट. तो पार्टेक के लिए यहां पर ऑफ आएगा. पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी अगर फूड की बात करी जाए तो पार्टेक ऑफ होता है. अगर किसी के साथ चीयरफुलनेस या किसी किसमें खुशी में शामिल होते हैं तो पार्टेक इन होता है. ठीक है. अगर फूड की स्पेशली बात की जाए तो ऑफ आएगा, और अगर किसी खुशी में आप शामिल हो रहे हो तो पार्टेक इन आएगा. वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज. और ये क्वेश्चन लास्ट का आपके लिए है. आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा, ऑन, इन, ड्यूरिंग या एट. ठीक है. होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.